चलिए दोस्तों प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखते हैं कि 24 रुपये बेचते हैं तो उतना ही परसेंट हमें लाभ होता है जितना उसका क्रय होता है, ठीक है। जैसे उसको मान लो 100 रुपये में खरीदता हूं तो मुझे 100% क्या होता है, लाभ होता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक ट्रिक ले रहा हूं, आप कीजिएगा क्या, कि हमें वस्तु का जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, वस्तु का क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहां से कि फॉर्मूला याद रखेंगे, 10 × √25 धन ऋण, यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य और इस वर्गमूल के बाहर क्या कर देंगे, 50 उसमें घटा देंगे। तो ये जो प्रश्न है, जो जितने प्रतिशत का लाभ होता है कितना होता है, उतना ही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, तो उसका हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत जब बात करेंगे, है ना, यहाँ पर लिखा है प्रश्न कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लेना है और यहाँ पर ऋण कब लेंगे, जब प्रतिशत हानि होती है तब लेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा और फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं इसको, हर 100 × √25 यहाँ पर क्या होता है, प्रतिशत लाभ होता है, तो है ना, धन का चिन्ह लगाएंगे और कितने दिन उसको बेचते हैं, विक्रय करते हैं, 24 रुपए बेचते हैं, तो ये हो गया हमारे 24, ऋण 50, ठीक है, 10 ये हो जाएगा कितना, 5 × 9 और 2 × 2 = 49, √49 ऋण 50, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √49, √49 को क्या लिखेंगे, 7, ठीक है, किसका दो बार गुना है 49, 7 का, तो √49 माने होता है 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 का और 7 का गुना कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा, 10 × 7 = 70 और ऋण 50, तो 70 × 50 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 रुपया। यही क्या है, उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य भी है और इतना ही परसेंट उसको क्या होता है, फायदा भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ट्रिक है उसको आप याद रखिए, अगर कोई वस्तु में जितने प्रतिशत की हानि होती है उतना ही उसका क्रय मूल्य हो, ठीक है, या जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही उसका क्रय मूल्य हो, तो सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 × √25 ऋण या धन विक्रय मूल्य, फिर उस वर्गमूल के बाहर ऋण का साइन लगाकर 50 उसमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम पैटर्न पर एक सवाल और देखते हैं, जिससे आप अभ्यस्त होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और आसानी से इस ट्रिक का उपयोग करके, ठीक है, ये जो ट्रिक मैंने बताया है इसका उपयोग करके आप फट से उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल पाएंगे, ठीक है। देखते हैं दूसरा सवाल इसी पैटर्न पर, चलिए। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदी गई है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा, बराबर 10 × √25, चूंकि यहां पर हानि हो रही है तो मैं कौन सा चिन्ह लूंगा, मैं हानि ऋण का, और कितने हानि हो रही है उसको, ठीक है, हानि हो रही तो ऋण लेंगे और कितना में उसका विक्रय मूल्य है, 21, यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक बार, तो यहां पर लिखते हैं विक्रय मूल्य और यहां पर घटाएंगे किसको क्या, 50 उसमें घटा देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 10 × 25 √25 ऋण विक्रय मूल्य कितना है हमारा, उसका 21 रुपए ऋण 50, आगे हल करेंगे तो आएगा ये 4 × 25 = 21 = 4, ये हो गया हमारा 50 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्गमूल क्या, वर्गमूल 4 × 2, ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे तो 10 × 20, 20 से 50 का ऊपर कितना आएगा, -30, तो वस्तु का जो हमारा हानि तो हो रही है, तो हानि क्या द्योतक है हमारा, हानि का द्योतक है, तो यहाँ पर कितने उस वस्तु का हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 30 रुपए रहा होगा, ठीक है, उसे हम बेचते हैं 21 रुपए में, तो हमें क्या निकलती है, हानि। मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है, स्टार्ट करते बनाना चालू करते हैं।
तो हमारा जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4। मतलब मान लो आप जो सेलिंग प्राइस है उसको बोल देते हैं 5x, और जो क्रय मूल्य है कास्ट प्राइस है उसको बोल देते हैं 4x। और चूंकि यहां पर हमें क्या हो रहा है, उसको 5:5 बेच रहे हैं, लेकिन फायदे कितने थे, 4:5 से खरीदे थे, तो हमें यहाँ पर फायदा ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो गया देखते हैं, 5x 4x, तो कितना गया हमारा x रुपए का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस x100। इस तरह से प्रॉफिट हुआ x रुपीज, और कॉस्ट जो प्राइस है हमारा 4x है, लिख देते हैं यहाँ पर, गुणित 100, एक्स से एक्स काट देते हैं 4, है ना, यहाँ 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 100 से भाग भी करना पड़ता है हमें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से हमारा जो परसेंट का जो साइन है ना, परसेंट का जो चिन्ह है यहाँ लिखते हैं ना, वो यहीं से आता है। ठीक है, तो इस तरह से काटे तो 4 के पहाड़ में एक बार में चला आता है, 4 × 2 = 20 हो गए, 4×5 = 20, तो हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ये देखा तो 5×4 मतलब कितने का अंतर आया, 1 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत होता है, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, लाभ बटे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, लिख देते हैं यहाँ पर, गुणित 100 और पूरे का 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमें 1 रुपए का लाभ होता है, इसे हम खरीदते कितने में है, 4 के अनुपात में, गुणित 100, और ये हो गया परसेंट का साइन, काट देते हैं यहां से, तो 1 × 4 = 12, 4 × 4 = 4 और 4 = 25 सम, ठीक है, 100 हो जाता है, इसका हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 25%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सरल ट्रिक आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा। चलिए इसी के बेस पर आधारित, इसी पर आधारित एक दूसरा सवाल देखते हैं जो हमें आगे, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पर लाभ इसलिए लिखा गया है कि जो वस्तु है वो 500 रुपए में हम लेते हैं और 600 बेचते हैं। ठीक है, तो फायदा ही हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो ये 600 बेच रहे हैं तो 500 खरीद रहे हैं, तो 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो कितने प्रतिशत हो रहा है, चलो निकालना सीखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करना सीख चालू करते हैं। यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, जो खरीदी का मूल्य है हमारा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 500 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है बेचने का मूल्य है कितना है हमारा, कितना है 600 रुपए। तो यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट मतलब लाभ को क्या बोल देते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, इस तरह से हो जाएगा हमारा 600 × 500, तो आया कितना हमारा 100, 100 रुपया हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जो प्रॉफिट है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बटे जो सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस है × 100। ठीक है, चूंकि हमें प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 500 रुपए में खरीदी पर, खरीद मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तो हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट है लॉस परसेंट वो निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो निकालनी है वो हमें किस पर निकालनी है, हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य पर ही निकालनी है। फटाक से निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट हो रहा है हमें 600 रुपए का, और उसे हमने खरीदा है 500 रुपए में, और ये × 100। ठीक है, अब इसे परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा तो कर दिए, तो 100 से भाग भी करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इसको कर देते हैं 100 से भाग, तो ये बन गया, देखो ये 0 0 कट गया, 0 0 से 5 की पहाड़ में एक बार में 5 आता है, 2 बार में 10, और 0 बार में 0 आता है। इस तरह जो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, ये हमारा क्या साइन देता है, प्रतिशत का चिन्ह देता है, साइन देता है। इस तरह से हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20%। ठीक है, इस तरह से देखिए आसानी से बन गया सवाल।